बाबा अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप इसके लिए मुझे कुछ भी सजा दीजिए, लेकिन मेरी बिंदिया को बचा लीजिए बाबा। बाबा कुछ कीजिए बाबा, प्लीज। श्री दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा। को ले जाकर बिंदिया के माथे पर लगा दो। मातेश्वरी की कृपा रही तो काजल की आत्मा भयभीत होकर बिंदिया को सुरक्षित छोड़ देगी। जाओ बच्चा जाओ, परंतु सावधान रहना, काजल की आत्मा इस समय जिस स्थिति में है, ऐसी स्थिति में उसके समक्ष यदि कोई भी आएगा तो वो उसके ऊपर प्राण घातक हमला भी कर सकती है। बाबा मुझे अपने आप पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आपने जो मुझे कहा है मैं उसे पूरा करके रहूंगा, और चाहे कुछ भी हो, अपनी बिंदिया को उस काजल के चुंगल से छुड़ा कर लाऊंगा। आयुष्मान भव। सत्य तो ये है, काजल जैसी प्रेतात्मा के चंगुल से कोई भी बड़ी सरलता से छूट नहीं सकता है। उसने अपनी बुरी शक्तियों का साया तुम्हारे पूरे परिवार पर फैला रखा है। रोहित त्रिकाल बाबा के पास गया है। अगर ये बात काजल को पता चल गई तो इसका गुस्सा वो बिंदिया पर उतारेगी। ठहरो रोहित, कहाँ जा रहे हो रोहित बेटा? पर बिंदिया के पास जा रहा हूं काका। रोहित समझने की कोशिश करो, फिलहाल उस कमरे का दरवाजा नहीं खोल सकते। बेटा समीर सही कह रहा है, मन पर भावनाओं को हावी होने दोगे तो नुकसान पहुंचेगा। रोहित बेटा जिद मत करो, बेटा रुक जाओ। इस घर का कोई भी सदस्य अगर उसके पास जाएगा तो वो बच नहीं पाएगा बेटा। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं अपनी बिंदिया को मौत के मुंह में ढकेल कर शांति से बैठ जाऊं? जी काका, अगर मेरी जगह आप होते और काजल की आत्मा जो बिंदिया के साथ कर रही है वो दादी मां के साथ कर रही होती तो क्या तब भी आप यही कहते? रोहित बेटा, दिल से कोई नहीं चाहता कि तुम इस तरह अपनी जान की बाजी लगाओ, लेकिन जब तुमने तय कर ही लिया है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। माताजी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। Thank you.
अंदर मत आना। आप में से कोई भी अंदर मत आएगा। रोहित प्लीज यहां से चले जाओ, प्लीज चले जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए बाबा की दी हुई भभूति लेकर आया हूं। बाबा ने कहा है कि अगर तुमने ये भभूति लगा ली तो काजल की आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। नहीं रोहित, मैं ये भभूति नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। क्या कह रही हो बिंदिया? मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत चिंता है, लेकिन रोहित अगर ये भभूति मैंने लगाई तो वो मुझे तो छोड़ देगी, लेकिन तुम में से किसी और के शरीर में चली जाओगी जो मैं नहीं चाहती। और मेरे शरीर में जब तक एक सांस बाकी है मेरे घर वाले कोई सजा नहीं भुगतेंगे। लेकिन बिंदिया तुम प्लीज रोहित समझने की कोशिश करो। इससे पहले कि काजल की आत्मा वापस आए तुम यहां से चले जाओ। पर बिंदिया तुम बात नहीं, शादी के बाद एक लड़की का ससुराल ही उसका उसका अपना घर होता है और कोई भी औरत चाहे वो बेटी हो चाहे वो बहू वो अपने जीते जी अपने घर वालों पर आंच नहीं आने देगी। मम्मी जी रोहित को यहां से ले जाएंगे। इससे पहले कि वो यहां पर आ जाए मम्मी जी आप प्लीज रोहित को यहां से ले जाइए। समीर भैया आप ले जाइए रोहित को। शेर से कहती है कि उसे डर नहीं लगता। जब बुरा होना ही है तो डर किस बात का। लेकिन एक बात याद रखना काजल, मेरे होते हुए तुम मेरे परिवार वालों को हाथ तक नहीं लगा सकती। कर लो मेरे शरीर पर कब्जा। आओ मैं तुम्हारे शरीर पर जरूर कब्जा करूंगी।
तक का बचा, क्योंकि मुझे तुम्हारे खानदान को मिटाना है। जब तक मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर लेती, यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझसे बदला लोगी? तुम देखना चाहते हो ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? कि मैं क्या कर सकती हूँ, देखो। तूने कि क्या कर सकती हूँ मैं? अब तेरे बाद तेरे परिवार का भी यही हाल करूंगी मैं। जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सुना तूने? ये वादा है मेरा तुझसे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को जान से मार दूंगी मैं, एक एक को। विद्या के बारे में सोच रहा है बेटा? हाँ माँ। कैसे हम सबको बचाने के लिए उसने अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। काश काश जबरदस्ती मैंने वो पूरी उसके मौत विद्या ने एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज पाए। कुछ नहीं होगा हमारी विद्या को, वो वापस आएगी और सही सलामत वापस आएगी। चाची, अभी तो आप अपने बच्चे को समझा रही थी ना, और अब आप खुद ही बच्चों की तरह। भावना का के संसार की बुरी से बुरी तक ईश्वर से बड़ी नहीं होती। देखना, ईश्वर सच्चाई का साथ देंगे, बुराई का नहीं।
काजल दीदी बिंदिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मिठीबा, ये लीजिए आपकी माला। आपके लिए मैं खिचू बनाकर लाती हूँ। ये अनहोनी कैसे हो गई? जी मैं पहुंच जाऊंगा। और वो डॉक्यूमेंट जो आप कह रहे थे, सबक सिखाने। अगर वो बाबा मुझे दोबारा नजर आया या उसने इस घर में कदम रखने की कोशिश की, तो मैं पायल से पहले उसका खून कर दूंगी। हे ईश्वर, इस घर की खुशियों को काजल की आत्मा की वजह से जो ग्रहण लगा है, उससे हमारे परिवार को जल्द से जल्द छुटकारा दिलाना।